मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। मधुबाला और आरके की जोड़ी, इस जोड़ी को कौन नहीं जानता है। वाकई में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस जोड़ी को प्यार दिया था जब ये शो ऑन एयर हुआ था, करीबन आज से 12 से 13 साल पहले। कलर्स टीवी पर ये शो देखने को मिला था, जहाँ पर आरके और मधुबाला के कैरेक्टर में विवेन डिशैना और दृष्टि धामी की जोड़ी देखने को मिली थी। आरके और दृष्टि की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम ही टीवी पर्दे पर नजर आए थे, लेकिन इस तरीके से जो पैसिनेट लवर के तौर पर यहाँ पर जो देखने को मिले विवेन डिशैना, वाकई में कमाल किया उन्होंने अपने कैरेक्टर से, और लोगों को ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। रातों रात ये जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, अपने पीक पर ये शो था उस टाइम पर। 2 साल तक करीबन ये शो ऑन एयर रहा, हाईएस्ट टीआरपी गेन करी शो ने। लास्ट में शो ऑफेयर तो हुआ, कई सारी चीज़ें रहती हैं शो के ऑफेयर जाने के पीछे, तो शो को ऑफेयर किया गया, पर शो के सीज़न 2 की डिमांड लगातार चल रही है, और ये शो के सीज़न 2 की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा तब हाई हुई है जब इसका रिपीट टेलीकास्ट लॉकडाउन में चलाया गया है। तब से लगातार सीज़न 2 की डिमांड चल रही है, पर अभी तक शो का सीज़न 2 देखने को मिला नहीं है। बात अगर हम करें विवेन डिशैना के बारे में, तो वो बाकी एक्टर्स की तरह ऐसा नहीं है कि टीवी को क्विट कर चुके हैं, बल्कि वो वेब सीरीज़ पर ना ध्यान देकर लगातार अभी भी टीवी पर ही फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पर उम्मीद करी जा सकती है कि आरके का कैरेक्टर अगर उन्हें ऑफ़र होता है तो डेफिनेटली अपने इस पॉपुलर कैरेक्टर में वो ज़रूर नज़र आना चाहेंगे। वहीं साथ ही अगर हम बात करें दृष्टिधामी के बारे में, तो वो वेब सीरीज़ पर ध्यान देने लगी हैं और टीवी पर नज़र फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है अगर विवेन डिशैना भी शो के हिस्सा बनते हैं और उनके पास ऑफ़र जाता है दृष्टि के पास मधुबाला के कैरेक्टर के लिए, तो डेफ़िनेटली वो ज़रूर नज़र आना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने भी कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं अपने ऊपर। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जोड़ी किस तरीके से देखने को मिल पाएगी। चांसेस बन रहे हैं कि हाँ, अगर मेकर्स चाहें तो इस जोड़ी को दोबारा लेकर आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर न्यू स्टारकास्ट भी देखने को मिल सकती है। क्या कुछ कहना है ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।